और गाजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हुक्मरान तो खामोश हैं, लेकिन कराची के नौजवानों ने आवाज़ हक बुलंद करने की ठान ली। कहते हैं फलस्तीनी आवाम को मुश्किल की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ सकते। नौजवानों ने और क्या कहा, जानते हैं सैरिश मंसूर की रिपोर्ट में। फलस्तीन में जारी है इजरायली बमबारी, हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। गजा में मरने वालों की तादाद हर घंटे के हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस सूरत हाल ने कराची के नौजवानों को बेचैन कर दिया और वो घरों से निकल खड़े हुए फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए। वाहिद एक में मुसलमान ताकत है। अब हमारी जब सियासी की आदत नहीं बोलेगी, आला की आदत नहीं बोलेगी, तो हम छोटों को तो निकलना पड़ेगा ना भाई सड़कों पे। आज नौजवान इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनको एहसास है, उनको गम है, वो सिर्फ facebook.com पर बात ही नहीं करते। गवर्नमेंट लेवल पे इंटरनेशनली जो उसको एहसास करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट तो वो तो कुछ नहीं कर रही है। बच्चों ने टीवी और सोशल मीडिया पर गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर देखी तो घरों से बाहर निकल आए। मैंने टीवी पे देखा था मेरे जितना एक लड़का उसको मार दिया, इसीलिए मैं एहतजाज करने आया हूँ। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वालों का कहना था कि जो वक्त गजा पर आया है, अगर खुदा न खास्ता ये वक्त उन पर आ गया तो कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हुए इन लोगों का कहना है कि हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने के लिए तो खूब धरने देते हैं और खूब रैलियाँ निकालते हैं, लेकिन गजा के लिए ही आखिर ये खामोशी क्यों है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सहरिश मंसूर, जा कराची।